गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है आपका अंतिम अक्षर लेने जा रहा हूँ। जैसा कि देखो, अंतिम अक्षर होता है अ। क्या होता है अंतिम अक्षर? अ है। अ माने कोई अक्षर या शब्द बनता नहीं है, सिर्फ एक मात्रा है। हाँ, इसको भी वैसे ही लिखना है जैसे हर अक्षर को आप लिखते हुए आए हो। जैसे देखो, ऊपर उल्टा सी आकार का बना है, वैसा ही आपको देखते हुए ऊपर वाले खाने में देखते हुए आप नीचे चले आओ। उसी तरह से दूसरे खाने में आओ तो थ्री आकार का चित्र बना है, उसी तरह से आप उसको देखते हुए कॉपी करते हुए नीचे चले आइए। तीसरे खाने में आओगे तो थ्री आकार का चित्र बना करके बीच में जो है आपको एक पाई खींचा गया है, तो वही कॉपी करते हुए आप ऊपर से नीचे चले आइए। उसके बाद अक्षर में आइए तो आपको पूरा जो है अक्षर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको कॉपी करते हुए ऊपर से नीचे आओ है। और आओगे जब लास्ट खाने में अ ही लिखा है और सामने जो है पाई के सामने ठीक दो बिंदी लगा, एक ऊपर एक नीचे, यही यह बिंदी इसका मात्रा है। इसको लगाने से अ अक्षर यानी मात्रा तैयार होता है। यही देखते हुए आपको ऊपर जितने हर खाने में चौकोर आकार का जो खाना बना है, वाले खाने में काले स्याही से लिखा गया है, उसी का आपको कॉपी करते हुए सेम नीचे लिखते चले आओ, अक्षर बन करके कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अब आगे आइए। आगे आओगे तो अब जो है लाल खाने से लिखा गया है, दी गई वर्गाकार आकृतियों में अ से अ तक के स्वर लिखो है। तो मैं लिख चुका हूँ आपके टेक्स्ट बुक में जो है पेज नंबर 11 पर, आपको स्वयं लिखना है। देख करके क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले खाने में लिखना है अ, उसके बाद आ, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद बड़ी, अब उसके बाद आओ, उसके बाद है दूसरे खाने में, पहले खाने में छोटा ऊ, फिर उसके बाद दूसरे खाने में बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री, उसके बाद फिर ए, अब उसके बाद आओ जो है आप उसके बाद दिया है ए, फिर ओ, फिर अ और अंग, उसके बाद लास्ट में दिया है अ। कहने का मतलब यह, जो भी अक्षर आपको दिया है इसको अ से लेकर अ तक लिखने का अभ्यास भी करना है। और जैसे अ से होता है अनार, आ से होता है आम, ई से होता है इमली है, बड़ी से होता है ईक, छोटा ऊ से होता है उल्लू, बड़ा ऊ से होता है ऊन, री से ऋषि है, ए से एड़ी, आय से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग माने अंगूर है, अंग से अंगूर, अ माने कुछ नहीं। इस तरह से अ से लेकर के अ तक जो है 13 अक्षर होते हैं, और 13 में अ से जो है कुछ शब्द नहीं बनता है, और अंग तक कोई न कोई शब्द जरूर बनता है, और उसके माध्यम से कोई वस्तु का नाम भी निकलता है। जैसे अ से एक जानवर निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अजगर। इसी तरह से अ से अनार भी हो सकता है। माने अ से लेकर अ तक आपको बिना मात्रा वाले भी शब्द बना सकते हो और मात्रा वाले भी शब्द बना सकते हो। जैसे ओ से ओखली और अ से अगर हैं, अजगर। इस तरह से बिना मात्रा वाला भी अक्षर बन रहा है, और ओ से औ से आय से आ से, आ से बनाओ आम, तो आम शब्द बन गया। माने अ से लेकर अ तक कोई न कोई अक्षर आपको बनेगा, अक्षर से आप कोई न कोई शब्द बना सकते हो जो कि दो प्रकार का शब्द बनेगा। अ से लेकर अ तक एक वह अक्षर बनेगा जो बिना मात्रा का बन सकता है, और एक अक्षर माने शब्द वह शब्द बनेगा जिसको मात्रा से युक्त बनता है। जैसे अ से है पहले बताया है अनार, अनार हो गया, तो अनार में आ का मात्रा लगा है, लेकिन अजगर बोलेंगे तो अजगर में कहीं भी मात्रा नहीं है, जितने अक्षर है सब अक्षर। उसी तरह से बिना मात्रा वाला शब्द होता है कमल, नयन है, रहर, तो पवन
ल एस जो है दो अक्षर वाले या तीन अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द बनते हैं, और मात्रा लगा दो तो हो जाएगा ऐनक, आम, औरत, ओखली, जहाज। मैं एक से एक दो अक्षर से लेकर उसके आगे तीन अक्षर का भी शब्द बनते हैं, चार अक्षर का भी शब्द बनते हैं, पांच अक्षर का भी शब्द बनते हैं। माने मात्रा के माध्यम से कई शब्द बन सकता है और बिना मात्रा वाले भी अक्षर से शब्द बनते हैं। कहने मतलब मेरा क्या है, यह से लेकर के अगर अह तक आप यह स्वर माने वाबेल अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको मतलब हिंदी को लिखना और पढ़ना खूब अच्छे ढंग से आ जाएगा। हैं, आज के लिए धन्यवाद।